Hello everyone, my name is Shreyas Bhad. Welcome to Maharashtra S Academy. So today we are going to talk about the second part of UPSC Civil Services Examination Current Affairs Preparation Series. तो हमारे UPSC Civil Services Current Affairs Preparation Series का ये second part है. इस second part में हम discuss करेंगे the utility of editorials. सो हिंदू न्यूज़पेपर के अंदर सबसे टीडियस, सबसे डिफिकल्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो होता है वो होता है उसके आर्टिकल्स, और उन आर्टिकल्स को कैसे अंडरस्टैंड करना है, कैसे कॉम्प्रहेंड करना है, नोट्स कैसे बनाने हैं और क्या पिक करना है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. स्टार्ट करने से पहले आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. सो दिस इज अबाउट मी. आई एम श्रेयस बाड, फाउंडर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ महाराष्ट्र एस अकेडमी. I have done my graduation in mechanical engineering, PG in CAD/CAM. I have 5 years of experience of UPSC coaching and 7 years for total teaching experience. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमें एडिटोरियल्स क्यों पढ़ने चाहिए. Why to read the editorials? उसका पहला कारण है one must know common issues. मतलब कि जो UPSC aspirant है, UPSC के बारे में पढ़ाई कर रहा है, उसे हमारे देश के कॉमन इश्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, जैसे कि पॉवर्टी, इलिटरेसी, अनएम्प्लॉयमेंट, माल न्यूट्रिशन, डेमोग्राफिक्स और वगैरह वगैरह. सेकेंड रीज़न है टू गेट होल्ड ओवर स्पेशल इश्यूज़, जैसे कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक इश्यूज़, हेल्थ सेक्टर इश्यूज़, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, न्यूक्लियर एनर्जी, फॉरेन ट्रेड एंड करेंसी. एंड देन द थर्ड रीज़न इज इट इज़ अ कंटेंट फॉर मेंस. मेंस के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंटेंट है आर्टिकल्स, जिससे हमारे जीएस क्वेश्चंस हम सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ऑप्शन का जो पेपर है उसमें हेल्पफुल होगा, एज वेल एज इन द इंटरव्यूज. तो ये सारे उसकी यूटिलिटीज हैं एंड दिज आर इम्पोर्टेंट रीजंस कि हमें आर्टिकल्स क्यों पढ़ने चाहिए. अब आर्टिकल तो पढ़ना है, लेकिन उसकी सबसे पहले हमें यूटिलिटी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि मेंस एग्जामिनेशन के लिए, यूपीएससी मेंस के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसके लिए आर्टिकल्स की यूटिलिटी क्या है. तो इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हम दो क्वेश्चन यहाँ पर स्टडी करेंगे. तो पहला क्वेश्चन है टू लिटिल कैश टू मच पॉलिटिक्स लीव्स यूनेस्को फाइटिंग फॉर लाइफ. एक स्टेटमेंट दिया हुआ है यहाँ पर. डिस्कस द स्टेटमेंट इन लाइट ऑफ द यूएस विथड्रॉल एंड इट्स एक्यूजेशन ऑफ द कल्चरल बॉडी एज बीइंग एंटी इजराइल बायस. तो ये क्वेश्चन यूपीएससी मेंस 2019 में आ चुका है 10 मार्क के लिए. तो यहाँ पर यूनेस्को के बारे में चर्चा की गई है, और यूएसए ने जब यूनेस्को से विड्रॉल किया तो विड्रॉल करने के बाद उसने जो ब्लेम गेम स्टार्ट किए उसके बारे में भी यहाँ पर बताया गया है. तो इस पूरे इशू के बारे में हिंदू में आर्टिकल आ चुका था, और वो आर्टिकल कुछ इस प्रकार था. सो दिस इज द आर्टिकल ऑफ 2018 जिसका टाइटल था आउट ऑफ यूनेस्को, विच वॉज रिटन बाय गैरिमेला सुब्रमण्यन. The US exit should not be seen as a point of no return, ये इसका टाइटल था. और यहाँ पर उन्होंने विस्तार में चर्चा की थी कि यूनेस्को से विड्रॉल करने के बाद यूएसए का क्या एजेंडा होना चाहिए या फिर क्या एजेंडा है, और यूनेस्को के द्वारा डील किए जाने वाले पैलेस्टाइन इसराइल का जो इशू है उसके बारे में यूएसए का क्या स्टैंड है. तो यहाँ पर हम थोड़ा सा पढ़ते हैं. The US decision to quit UNESCO is an attempt to reassert geopolitical influence in West Asia, but the withdrawal is at best a face saver for President Donald Trump, who has been unable to back his pre-election rhetoric on the Palestinian peace process with substance. In January, for instance, the Trump administration prepared orders to halt US funding to global institutions that advocate membership for the Palestine Authority. तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में विस्तार से डिस्क्राइब किया है कि यूनेस्को, यूएसए, इसराइल, पैलेस्टाइन का इशू क्या है. ये आर्टिकल पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कम से कम 10 से 12 कॉन्क्रीट पॉइंट्स करेक्ट हो जाएंगे, जिनका इस्तेमाल हम यहाँ पर कर सकते हैं. ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन. इंडियन गवर्नमेंट हैज रिसेंटली स्ट्रेंथन द एंटी टेररिज्म लॉ बाय अमेंडिंग द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 1967 and the NI Act. Analyze the changes in the context of prevailing security environment while discussing the scope and reasons for opposing the UAPA by human rights organizations. तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा यूएपीए एक्ट को अमेंड करने के बाद कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हुई है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये 250 मार्क्स का क्वेश्चन था यूपीएससी 2019 और ऑब्वियसली इसके बारे में हिंदू में आर्टिकल छपा था। उस आर्टिकल के बारे में हम देखते हैं। सो दिस वॉज द आर्टिकल द हिंदू एडिटोरियल सेक्रीफाइसिंग लिबर्टी फॉर नेशनल सिक्योरिटी 2019 एंड दिस आर्टिकल वॉज रिटन बाय संजय हेगड़े। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिखा है थोड़ा सा पढ़ते हैं। द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन अमेंडमेंट एक्ट कुड प्रूव कैटास्ट्रोफिक फॉर फंडामेंटल राइट्स। तो यहाँ पर वो स्टार्टिंग में ही अपना जो मनसूबा है उसे जाहिर करते हैं और वो यहाँ पर बता रहे हैं कि ये जो अमेंडमेंट है इट इज गोइंग टू बी कैटास्ट्रोफिक फॉर फंडामेंटल राइट्स। सो इन पार्लियामेंट दिस मंथ फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर पी चिदम्बरम क्वेश्चन द नीड फॉर सर्टन अमेंडमेंट्स टू द अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट ऑफ 1967। The bill empowers the central government to name any individual a terrorist if it believes him or her to be so. The act itself carries no safeguard against its misuse at an individual level. A judicial determination at a later stage is scant solace to a man in danger of losing liberty and his house for being associated with someone who has been designated as a terrorist under the act. तो यहाँ पर उस पर्टिकुलर अमेंडमेंट की आलोचना की है, उसे क्रिटिसाइज किया है। तो इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद डेफिनेटली यू वुड हैव दोज कॉन्क्रीट पॉइंट्स जिसके भरोसे आप इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंड हुआ होगा कि हम आर्टिकल्स क्यों पढ़ते हैं या फिर हमें क्यों पढ़ना चाहिए। बिकॉज मेन्स क्वेश्चन पेपर में जो भी करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनका जो फॉर्डर मटेरियल है, जो उसका कंटेंट है, वो आर्टिकल से ही निकल के आता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं कि इन आर्टिकल को हमें कैसे पढ़ना है या फिर इस आर्टिकल को हमें इफिशियंटली कैसे पढ़ना है। बिकॉज जो लोग बिगिनर हैं वो शायद नहीं जानते होंगे कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आर्टिकल्स पढ़ने के लिए कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग जाता है शुरुआती दिनों में। अब इस पर्टिकुलर टाइम को हमें कम करना होता है और हमारी इफिशियंसी को बढ़ाना होता है। तो इफिशियंसी हम कैसे बढ़ाएंगे उसके कुछ नियम हैं। सबसे पहले हम ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो आर्टिकल होता है कंटेन्स अ बंच ऑफ इंफॉर्मेशन। अब उस इंफॉर्मेशन को हमें हमारे हिसाब से ब्रेक डाउन करना होता है ताकि उसे हम यूज़ कर पाए मेन्स एग्जामिनेशन में। सो वी हैव टू ब्रेक डाउन एवरी एडिटोरियल इनटू दिस पार्ट्स। सो द फर्स्ट पार्ट इज इंट्रोडक्शन, जहाँ पर ऑथर अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, उसके बारे में बताते हैं। सेकंड पार्ट इज द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द ऑथर, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं ऑथर जिनके बारे में चर्चा करना चाहते हैं। द थर्ड पार्ट इज एनालिसिस, जहाँ पर वो डेटा फैक्ट्स एंड फिगर्स प्रोवाइड करते हैं टू प्रूव देयर पॉइंट। एंड द लास्ट पार्ट इज कंक्लूजन। अब इस पर्टिकुलर चीज़ को समझने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक पीडीएफ दिखाना चाहता हूँ। सो लेट अस सी अ पर्टिकुलर पीडीएफ ऑफ द एडिटोरियल। तो यहाँ पर आपके सामने एक पर्टिकुलर पीडीएफ है। सो दिस इज द न्यूज़पेपर द हिंदू 18th May 2020। पेज नंबर 6 है जहाँ पर लिखा है एडिटोरियल। तो इस तरह से पेज होता है, तो जो लोग बिगिनर्स हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। सो दिस इज द पेज ऑफ द आर्टिकल्स, जहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको लिखे हुए मिलेंगे। सो दिस इज द लीड आर्टिकल, उसके बाजू में एक छोटा सा आर्टिकल होता है, उसके नीचे एक और आर्टिकल होता है। देन इफ यू गो टू द नेक्स्ट पेज, यहाँ पर भी आपको बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे। दिस पेज इज कॉल्ड एज ओपेड, तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो अभी जो बातें हमने डिस्कस की उसको हम थोड़ा सा अप्लाई कर लेते हैं। सो दिस आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंटरनेशनल पॉलिटिक्स ऑफ अफगानिस्तान एंड इंडिया रिलेशंस। सो गेटिंग इंडिया बैक टू द अफगान हाई टेबल, New Delhi's Afghan policy needs changes and must include openly talking to Taliban and all other political groups. तो यहाँ पर ये अफगानिस्तान, तालिबान और इंडिया के ऊपर रिवॉल्व करने वाला एडिटोरियल है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, हर एक आर्टिकल के 4 से 5 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है उसका इंट्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट होता है क्वेश्चंस जो ऑथर पूछते हैं, उसके बाद में वहाँ पर होता है इम्पॉर्टेंट डेटा एनालिसिस फैक्ट एंड फिगर्स, और अंत में यहाँ पर होते हैं रेमेडीज या फिर सॉल्यूशंस। तो जिस क्वेश्चन को ऑथर यहाँ पर पूछता है उसी क्वेश्चन का वो रेमेडीज और सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। बिकॉज यूपीएससी भी इसी तरह के रेमेडीज हमसे चाहता है कि हम वहाँ पर लिखें।
तो इस पर्टिकुलर टॉपिक में या ऐसे बहुत से टॉपिक में हम लोग एक्सपर्ट नहीं होते, इसीलिए जो सॉल्यूशन यहाँ पर दिए होते हैं दिज आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस, और अंत में यहाँ पर दिया होता है कंक्लूजन। तो इस तरह से आर्टिकल का एक फ्लो होता है, आपको आर्टिकल को ऐसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा तब जाके आपको इफिशेंटली उसे कवर करने में हेल्प मिलेगी। ठीक है, सो आई होप आपको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। वापस चलते हैं हमारे स्लाइड के ऊपर और आगे हम पढ़ते हैं कि हिंदू को हमें इफिशेंटली कैसे पढ़ना है और क्या क्या बातें उसके नोट डाउन करनी है। ठीक है, तो अगर आपको आर्टिकल से नोट डाउन करना है तो नोट डाउन करने के लायक क्या चीज़ें हैं। सो वर्थ नोटिंग डाउन है डेटा पार्ट और एनालिसिस पार्ट, यही बातें ऐसी हैं जो आपको नोट डाउन करनी चाहिए, बाकी सब कुछ आप इग्नोर कर सकते हैं। और जब भी नोट डाउन करने की बात आती है, यहाँ पर मैं एक बात अच्छे से आपको क्लैरिफाई करके कहना चाहता हूँ कि जो लोग स्टार्टिंग में, मतलब कि जो लोग बिगिनर हैं जिन्होंने हिंदी अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, तो वो लोग नोट्स बनाने की जल्दी ना करें, बिकॉज नोट्स बनाने के लिए आपको जीएस का सिलेबस, क्वेश्चन पेपर के फॉर्मेट, क्वेश्चंस की डिमांड, सब कुछ पता होना चाहिए। सो विद टाइम जैसे जैसे आपका प्रिपरेशन आगे बढ़ेगा, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो जाएंगे, उसके बाद आपको थोड़ा बहुत ध्यान में आएगा कि हिंदू से हमें क्या पार्ट पिक करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो नोट्स बनाने की कृपया बिल्कुल भी जल्दी ना करें, थोड़ा सा समय लें और उसके बाद नोट्स बनाएं। तो आर्टिकल के नोट बनाते वक्त आपको ये बात ध्यान में रखनी है और उसे जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाना है। तो समरी फॉर्मेट में उसे बनाइए, बिकॉज आपको उस पर्टिकुलर कंटेंट को बाद में रिवाइज भी करना है और उसे यूज भी करना है। सो दैट इज द पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो ये पार्ट को आप नोट कर सकते हैं, बाकी आप इग्नोर करें। मेंटेन ए सेपरेट नोटबुक टू नोट डाउन। सो हिंदू पेपर में से नोट्स बनाने के लिए आपको दो तरह की नोटबुक यूज करनी है। एक नोटबुक के अंदर आप बाकी न्यूज कंटेंट लिखेंगे और दूसरे नोटबुक के अंदर आप सिर्फ आर्टिकल के नोट्स लिखेंगे। और जैसे जैसे आप ये सब करते जाएंगे, 2 महीने, 4 महीना, 6 महीना होने के बाद यू विल रियलाइज कि हिंदू न्यूज़पेपर आपके ब्रेन में सबकॉन्शियसली कंटेंट को डालता जा रहा है। मतलब कि आपका जो कंटेंट डेवलपमेंट है वो सबकॉन्शियसली होता रहता है, धीरे धीरे आपको हर एक इशू के ऊपर पकड़ आएगी और आपको खुद को रियलाइज होगा कि इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आपको कुछ भी पता नहीं था, लेकिन आप थोड़ा बहुत जानते हैं, 10 पॉइंट, 15 पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, सो दिस विल डेवलप योर कंटेंट सबकॉन्शियसली, एंड जब आप नोट्स बनाएंगे तो फिजिकल फॉर्मेट में भी आपका डेवलपमेंट होता ही रहेगा। सो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूटिलाइजेशन ऑफ द आर्टिकल्स। तो आर्टिकल को आपको इस तरह से पढ़ना है और इन कारणों की वजह से पढ़ना है। सो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट, कमेंट इट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू महाराष्ट्र आईएएस अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आपको हमारे हर वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।